और अमेरिका ने गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की तलाश शुरू कर दी है। नागरिकों की तलाश के लिए अमेरिका ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के ड्रोन गाजा के आसमान में उड़ान भर रहे हैं और बंधकों की लोकेशन का पता लगाने में जुट गए हैं। 7 अक्टूबर को दरअसल हमास के लड़ाके इसराइल पर जब हमला करते हैं, उस दौरान वो कई लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। और इसराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि वो जहां हमास से युद्ध लड़ रहा है, वहीं उसको उन लोगों को भी वापस लाना है जो हमास अपने साथ बंधक बनाकर लेकर गया था। इस वक्त गाजा जल रहा है, इंच दर इंच इजरायली सेना बारूद बिछाती चली जा रही है। धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमास को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि गाजा के आम आदमी की जान जा रही है। हमास ने इसराइल को अंजाम भुगतने की बहुत बड़ी धमकी भी अब दे दी है। हमास किस लेवल पर इसराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इसराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इसराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इसराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इसराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इसराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इसराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो